सामान मुहैया कराया है हमारे डिसेबल सैनिकों के मेडिकल इलाज और आर्टिफिशियल लिम्ब रिप्लेसमेंट के लिए फायर एंड फ्यूरी कोर की तरफ से 3.5 लाख रुपए की धनराशि मदद के रूप में दी गई। हमारी वीर नारियां और एक्सेस सर्विसमैन के डिपेंडेंट महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में लिए गए प्रयास भी सराहनीय है। इस पृष्ठभूमि के साथ अब मैं मेजर जनरल एसएस बख्शी सेना मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग ले सबेरिया से अनुरोध करता हूँ कि वे डायस पर आए और पिछले 15 महीनों के दौरान फायर एंड फ्यूरी द्वारा लिए गए एक सर्विसमैन वेलफेयर से संबंधित कदमों और उपलब्धियों से हम सबको अवगत कराएं। प्रोटीन कोर की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि फायर एंड फ्यूरी कोर और ले सबेरिया के लिए और आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आपके कल्याण के लिए और सहायता और पुनर्वास रीसेटलमेंट करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा। मैं इस मौके पर सारे एक्सर्विसमैन जो यहाँ पर आए हैं दूर दराज इलाकों से, कोई कारगिल से आया है, रुपरा से आया है, आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आके आज का ये जो कार्यक्रम है इसको सफल बना रहे हैं। थैंक यू। सारे हमारे प्यारे वेटरन मीडिया के प्रतिनिधि, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि डीबीओ और शोक चालू यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से आने में समय लगता है, लेकिन आप लोगों से मिलकर ऐसे में खुशी होती है, इसलिए हमने थोड़ा कार्यक्रम लेट करने के बावजूद भी कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा जिसके बारे में जनरल बख्शी और कर्नल रेटर ने पहले बात कर ली है। मैं आप सब से दो तीन चीज़ें गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हम लोग लद्दाख में जो फौज डिप्लॉयड है, जिसके हिस्सा आप भी हैं, बहुत सालों से डिप्लॉयड है और हम यहाँ पे टास्क के लिए डिप्लॉयड हैं और ये टास्क हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और फौजी होने के नाते आपको भी पता है और हमें भी पता है ये टास्क किसी भी हालत में हमने करना है, चाहे चाइना के खिलाफ हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो। हमने अपने जो बॉर्डर है वो सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित रखनी है और हमारी एक ही जमीन नहीं खोनी देंगे। इसके दौरान यहाँ इसके लिए ही फौज यहाँ पे डिप्लॉयड है, लेकिन हमें यह भी पता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत फैली हुई है, बहुत छोटे छोटे जगहों में फैली हुई है, बहुत दूर दराज और खराब हालत में फैली हुई है। ये हमारा फर्ज बनता है दूर दराज से हमारे एसोसिएशन के एक सर्विसमैन को बढ़ाने के लिए मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर, आप सबके पास इतना टाइम ना होते हुए भी इंतजाम देने के लिए हमारे एक सर्विसमैन चाहे चंगथांग, नुब्रा, संस्कार जहाँ भी हो, मैं उनके हिस्सा लेके आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जो उसी सबके 15 महीने के दौरान जो आप सब ने हमारे लिए साथ ही साथ उस दौरान चाहे कारगिल से आ रहा हो, चाहे संस्कार से आ रहा हो, चाहे गुमरा से आ रहा हो, चाहे चंगथांग से आ रहा हो, चाहे रहने की बात करो, खाने पीने की बात करो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करो, कोई कमी नहीं छोड़ा सर। तो हमें ऐसे हमारे लिए जो आप साथ ने जो कार्य किया है, आप साथ ने जो हमें मदद दिया है, हम कभी नहीं भूल सकता हूँ, थैंक यू सर। दूसरा बात, जो एक सर्विसमैन लीग के लिए
बैंक्वेट का कोई नहीं है में तो कुर्सी का कमी नहीं है Just up to the next.